हेलो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास कुछ हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स नहीं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका मास है 3.32 × 10⁻²⁷ kg। हर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास गिवन है आपको, गिवन है कि ये मॉलिक्यूल्स जाकर एक एरिया से टकराते हैं एट एंगल 45 डिग्री और इलास्टिक कोलिजन करते हैं, दैट मीन्स वापस रिबाउंड भी कर जाते हैं एट सेम एंगल 45 डिग्री। आपको गिवन है कि एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स इस एरिया से कोलाइड करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एन इक्वल्स टू 10⁻²। हमसे पूछा गया है कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इस एरिया पर कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर के लिए क्या चाहिए हमें, प्रेशर के लिए हमें चाहिए नॉर्मल फोर्स, इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फोर्स। अगर ये वेलोसिटी वी से आके कोलाइड करता है, आपको ये वेलोसिटी वी भी गिवन है, तो रिबाउंड भी करेगा सेम वेलोसिटी वी से एट सेम एंगल 45 डिग्री। तो एक मॉलिक्यूल कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो फोर्स बाय वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, या कहना चाहिए फोर्स नहीं बल्कि मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल, मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एम, सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज हो रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। और कितना चेंज हो रहा है, आ रहा है वी से, जा रहा है वी से, तो चेंज हो गया 2v, वेलोसिटी में चेंज 2v, तो मोमेंटम में चेंज 2v, लेकिन सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट का डबल, दैट इज वी कॉस 45 डिग्री का डबल, तो ये हो गया 2v कॉस 45 डिग्री। क्या हुआ एक बार और देखते हैं, ये वेलोसिटी वी से आ रहा था, इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, एक नॉर्मल डायरेक्शन में वी कॉस 45 डिग्री और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में वी साइन 45 डिग्री। वापस जाते वक्त फिर से दो कंपोनेंट, नॉर्मल डायरेक्शन में उल्टा हो गया वी कॉस 45 डिग्री और इधर का वेलोसिटी वही रहा वी साइन 45 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि ये वी कॉस 45 डिग्री, ये वी कॉस 45 डिग्री उल्टे हो गए हैं, जबकि वी साइन 45 डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, वी कॉस 45 डिग्री माइनस माइनस वी कॉस 45 डिग्री, 2v कॉस 45 डिग्री। दिस इज द मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय एन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एन टाइम्स एम या 2v कॉस 45 डिग्री। ये हो गया मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको ये सारे डेटा गिवन है, इसलिए आप मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हो, बस एन नहीं पता, लेकिन क्या पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर यूनिट टाइम पता है। इसलिए मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय एन मॉलिक्यूल्स अपॉन टाइम टी इन टाइम टी, दैट इज मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम टी पता है आपको, ट्वाइस एन बाय टी एम वी कॉस 45 डिग्री। दिस इम्प्लाइज ये जो मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम है, इसी को हम फोर्स कहेंगे। फोर्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन बाय टी इज एन, दैट इज 10⁻², सो दिस इज 2n एम वी कॉस 45 डिग्री। ये फोर्स हो गया, आपको चाहिए प्रेशर, तो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 2n एम वी कॉस 45 डिग्री अपॉन एरिया। इस क्वेश्चन में आपको n गिवन है, m गिवन है, v भी गिवन है, 45 डिग्री पता ही है और एरिया भी गिवन है, इसलिए आप आसानी से ये प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। प्रेशर विल बी इक्वल टू 2.35 × 10³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा।